وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على आज हमारे पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, तो हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने व्यूवर्स हैं, मैं तमाम हजरात को अपनी तरफ से, हमारे मस्जिद कमेटी की तरफ से पहले ईद की ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबादियाँ पेश करता हूं। और सबके लिए मैं दुआगो हूं कि आज के रहमत भरे दिन के सदक़े से अल्लाह सबका भला फरमाए। हम लोग मिलादुन्नबी मनाते हैं, उसकी वजह यह है कि आज ये एक इनकलाबी दिन है, ये एक आज तारीखी दिन है, इसलिए कि हमारे नबी के आने से पहले तरह तरह के जुर्म बर्बरियत का काम होता था। लोग बेवा औरतों को मर्द के चिता के साथ जला दिया करते थे, बच्चियों को जिंदा दफन किया करते थे, बिलखसूस यतीम बच्चों के माल असबाब लूट लिया करते थे। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़बरदस्त आदिल बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, और आपने अपनी सबसे पहली शादी हज़रत खदीजा से फरमाई, और हज़रत खदीजा ये दो बार की बेवा थी। हमारे हुजूर ने बेवा से शादी करके दुनिया को बताया, पैगाम दिया कि बेवा औरत जुल्म बर्बरियत ढाने के लिए नहीं है, बल्कि उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सीने से लगाने की तौफीक अता फरमाई है। हमारे हुजूर ने पहली शादी बेवा से की है, और साथ साथ सरवरे कायनात ने यतीमों का हाथ पकड़ा, और जो मज़लूम होते थे हमेशा आपने मज़लूम का सपोर्ट किया है। जो लोग ज़ालिम होते थे ज़ालिम के ख़िलाफ़ मेरे आका ने आवाज़ बुलंद फरमाई, और साथ साथ उस वक़्त जब मेरे आका तशरीफ़ फरमा हुए, अरब का हाल ये था कि बड़े घराने के लोग सिर्फ इल्म हासिल कर सकते थे, मिडिल क्लास के लोग इल्म हासिल नहीं कर सकते थे। हमारे हुजूर तशरीफ़ फरमा होकर इल्म को आम कर दिया और फरमाया कि बड़े छोटे की कोई यहाँ पर तमीज़ नहीं होगी, हर आदमी के लिए इल्म सीखने का हक होगा। और कुरान ने, अल्लाह के पैगाम ने और हमारे हुजूर ने पूरी दुनिया को बताया कि इल्म दीन में, इल्म दुनिया में सबका हक है और सब कोई इल्म हासिल कर सकता है। इस मस्जिद खमर का सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ, और आज जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज हमारी तमाम ईदों से बड़ी ईद का दिन है, ईद मिलादुन्नबी है। इसको हम लोग जो है हर साल मनाते हुए आ रहे हैं। हमारी कमेटी आल कर्नाटका जुलूस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमेटी जो है हर साल एक बड़े पैमाने पर जुलूस का एहतमाम करती रही। आज इस कोरोना वबा की वजह से हम लोग जो है उसको अंजाम ना दे सके। हमारे वालिद जनाब अलहाज नवाब जान कुरैशी साहब इस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रहे, और इस साल से मुझे इस पोस्ट में अपॉइंट किया गया है कमेटी की जानिब से, और तमाम को मैं जो है ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबादी पेश करता हूँ। आज हम लोग जो है इस दिन को मनाने के लिए काफ़ी सारे मस्जिदों में, जहाँ से हमारा जुलूस निकलता था, आप सब लोग जानते हैं लाखों की तादाद में लोग जमते थे हमारे इस जुलूस के, इस ईद मिलादुन्नबी के जलसे में, और जो है मदीना ग्राउंड में हमारा जो है जुलूस जाकर शामिल होता था, उलमाए इकराम के बयानात होते थे, और जो है हम लोग खाने का भी इंतज़ाम करते थे। इस साल जो है कोरोना वबा की वजह से हम लोगों को मौका ना मिला। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के मुताबिक मस्जिद के अंदर जो है प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस हमारी इस मस्जिद में काफ़ी सारी कमेटी, इमाम आज़म फाउंडेशन है, कमर कुरैशी फाउंडेशन है, और काफ़ी सारे कमेटीज़ जो है यहाँ पर शामिल है। ये प्रोग्राम कल से चालू है, कल हम लोग शाम में कुरान की तिलावत का प्रोग्राम किए, सुबह में भी प्रोग्राम रहा, और इंशाल्लाह अब ईद नमाज जुमा की नमाज के फौरन बाद मुए मुबारक की जियारत का भी प्रोग्राम रहा, और इस प्रोग्राम के बाद जो है फिर हम लोग मगरिब से नात का प्रोग्राम रहेगा, फिर उलमा इकराम के बयानात का प्रोग्राम रहेगा।
रहेगा, मुसलसल उसके बाद जो है जिक्र और दुआ का भी प्रोग्राम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मदी कमेटी की तरफ से कितनी मस्जिदों में इहतमाम किया गया है आज के इस दिन पर? जुलूस मोहम्मदिया कमेटी से तकरीबन 60 पर 5 मस्जिद में जो है प्रोग्राम का अहतमाम करके हैं हम लोग, और पर्टिकुलरली जो जो पॉइंट से हमारा जुलूस निकलता था उस तमाम मोहल्ले में मस्जिदों में जो है हम लोग कमेटी से राय मशवरा करके और जो है मस्जिदों में ही प्रोग्राम कर रहे हैं। इज्तमाई जो जलसा हुआ करता था इंशाल्लाह आप तमाम को मालूम है कि जो है कोरोना की वजह से नहीं होकर है, लेकिन मैं समझता हूँ हर शर में खैर है। अलहमद एक जगह पर जो है रुका गया लेकिन जो है सैकड़ों जगह शुरू हो चुका है, हर मस्जिद में मजलिस सजी हुई, हर मजलिस में जो है शजरकारी वगैरह जो प्रोग्राम फलाही कामा और एरिया वाइज जो है जो जलसा इस मरतबा मीलाद का होकर है, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा फ़ायदा जो इस मरतबा पहुँच रहा है। इलाका तो हमारी जानिब से जो है अलहमद मीलाद कमेटी की जानिब से एक तो सबसे जो है शजरकारी जो है शुरू हुई है, उस इलाके में जो है दरख्त वगैरह लगाया जा रहा है और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये हाथों में जो है एक लिटरेचर जो है जा रहा है एक दूसरा, और तीसरा जो है जो गरीब जो है राशन किट वगैरह जो है तकसीम हुआ है।